हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, हम बीसी डालकर किस्तों में करके एक प्लॉट खरीदते हैं और उस पर इतने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर आ जाते हैं। या थाना ऐसे चोर ड्रिक रोड में भी मैं गई थी, उन्होंने भी आसरा दिलाया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, और आज देखिए कि उनके साथ वो लोग खड़े लीज प्लॉट पर ये कब्जा कर रहे हैं। 120 गज की एक जमीन है, क्या उसकी कीमत होती है? लेकिन हम लोगों से कोई पूछे ना। मैं इज्जत में हूँ और मेरे बच्चों का कोई आमदनी का इतना खास जरिया नहीं है। मेरे मियाँ का भी इंतकाल हो गया, वो 25 साल कैंसर से लड़ते रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वो भी उनके लग गई और मैंने इतनी मुश्किल से ये प्लॉट लिया। गरीबों की बद्दुआएं, बेवाओं की बद्दुआएं, ये जो कब्जा का माफिया है इनका क्या असर होगा? हमारी बद्दुआएं इनके साथ है। 2015 से प्लॉट लिया हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट के पैसे मैंने दिए हैं, किस तरह करे वो मैडम। कितने जालिम लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनके औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। आपको याद होगा कि कुछ महीने कबल हमने एक प्रोग्राम किया था महमूदुल हक सोसाइटी के अलॉटीज़ के साथ। आज भी हम वहीं खड़े हैं। ये इलाका मैं आपको बता दूं कि ये 33 स्कीम है महमूदुल हक सोसाइटी, बिल्कुल मेरे आप पीछे देख सकते हैं। और ये जो लोग खड़े हुए ना, जो बैनर्स लिए हुए खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और इनके बैनर्स पे लिखा हुआ है कब्ज़ा माफिया नामंजूर नामंजूर, ये महमूदुल हक सोसाइटी के अलॉटीज़ हैं। एक बार फिर यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे आगे जाकर कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से जो कब्ज़ा ग्रुप है फिर से मुतहरिक हो गया है और पूरे कराची में उसने अपनी धाक जो है बैठा दी है। महमूदुल हक का जो आज वाक़या है, जो कहानी है, एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अलॉटीज़ से बात करते हैं, आपके सामने ही जाते हैं। क्या कहेंगी मैम, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था आप लोगों के साथ, आज फिर वही किस्सा दोहराया जा रहा है। इस बार तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा तौर पर तामीरात शुरू कर दी गई है कब्ज़ा माफिया की जानिब से। देखें, कोर्ट का स्टे था, हम लोग सब्र से बैठे थे कि जो फैसला होगा उसके बाद हमें ज़मीन मिलेगी, हम लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी जो बनाकर रहेंगे। हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, हम बीसी डालकर किस्तों में करके एक प्लॉट खरीदते हैं और उस पर इतने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर आ जाते हैं। यकीन करें, थाना ऐसे चोर ड्रिक रोड में भी मैं गई थी सबके साथ जाकर बैठी थी, उन्होंने भी आसरा दिलाया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, और आज देखिए कि उनके साथ वो लोग खड़े हुए, उनको बता रहे जो दीवार बन रहा है। मैंने कहा कि वो दीवार क्यों बन रही है, इन लोग की क्यों बना रहे हैं, हम लोग दीवार गिराएंगे? तो वो उनको बोलते नहीं, दीवार आप नहीं गिराएंगे। जब आप हमारी दीवार गिरा चुके, जो हमारी हिफाजत के लिए बनी हुई थी पूरी, आप दिखाइएगा जो पूरी दीवार ये हम लोगों ने बनाई हुई थी सोसाइटी को, हम लोगों ने पैसे दिए थे मैनेजमेंट को, हमारे पैसे लगे थे हलाल के, उसको आपने गिरा दिया, और आज आप कब्ज़ा माफिया दीवार बना रहा, तो आप उसके साथ खड़े हैं। आप बोलते नहीं कोई बात नहीं है, बनाने दें इनको। ये जब यहाँ पर पुलिस आई है जो खड़ी हुई है, ये उनका साथ दे रहे हैं। अभी इस वक्त भी वो कह रहे कि नहीं उनको आप बनाने दें, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये दीवार गिराएंगे। जब आप हमारी दीवार गिराएं तो इनकी भी दीवार नहीं बनेगी। ठीक है, अगर कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट करे फैसला। ये लैंड ग्रैबर क्यों फैसला कर रही है, पुलिस क्यों फैसला कर रही है, कौन सी कागज़ है इनके पास, लाएं ना दिखाएं। आप मीडिया वाले ना, आप मांगे इनसे कागज़, अगर एक भी कागज़ का आप हमसे मांगे, हर इलेक्ट्रिक अपने कागज़ लेकर आएगा आपको, हर इलेक्ट्रिक लाकर आपको, एक आपके लीज कागज़ है ज़मीन की। आप सोचें कितनी बड़ी अंधेर नगरी पहुँची हुई है ये, इसमें पूरे आधे से ज़्यादा प्लॉट लीज हो चुके हैं, लीज प्लॉट पर ये कब्ज़ा कर रहे हैं। कहाँ है पीपुल्स पार्टी, कहाँ है PTI, कहाँ है सब लोग? आज वोट देकर हमने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया, इसलिए कि हमारी मेहनत मशक्कत की कमाई को, जो हमारे बच्चे दिन भर मजदूर करके मिल में फैक्ट्री में आते हैं, 120 गज की एक ज़मीन है, क्या उसकी कीमत होती है? लेकिन हम लोगों से कोई पूछे ना। महमूदुल हक सोसाइटी के जो कर्ता धरता है, मैनेजमेंट है, वो कहाँ पर नजर आए? महमूद कहता जब वो आए थे उनको भी पकड़ करके थाने में बंद कर दिया, उनके खिलाफ FIR काट दिया। अब आप बताएं, मतलब उनके खिलाफ एक FIR काट दिया ताकि वो यहाँ पर नहीं आए। पर आप लोग करें, जो जो ये प्रोग्राम देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी यतीम बेवा की दुआ आपके काम आ जाए, आपके बिगड़े काम संवर जाए, आपकी औलाद कामयाब हो, आप उनके लिए मतलब खड़े हों। मैं इज्जत में हूँ और मेरे बच्चों का कोई आमदनी का इतना खास जरिया नहीं है। तो मेरे मियाँ का भी इंतकाल हो गया, वो 25 साल कैंसर से लड़ते रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वो भी उनके लग गई, और मैंने इतनी मुश्किल से ये प्लॉट लिया था। तो जो इन्होंने अभी, मेरा गला ख़राब है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो इन्होंने देखो क्या किया, ये माफिया पहले पुलिस साथ दे रही है, हर कोई साथ दे रहा है इनका, तो इनको देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। गरीबों की बद्दुआएं, बेवाओं की बद्दुआएं, ये जो कब्ज़ा का माफिया है इनका क्या असर होगा? हमारी बद्दुआएं इनके साथ हैं।
पिछली बार भी हम आपसे मुलाकात कर चुके हैं, उस टाइम ये मामला थम गए थे। क्या समझते कि चीफ जस्टिस साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस साहब है, उनके बाद फिर से कराची जब वो गए, उनकी रिटायरमेंट हुई है, उमर अता बंदियाल साहब आए, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पूरे कराची भर में कब्जा ग्रुप जो है वो फिर से मुतहरिक बहुत ज़्यादा हो गया है। हर जगह कहीं कहीं भी चले जाएं, सरजानी है, इधर है, स्कीम 33, यहाँ पे 2015 से प्लॉट लिया हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट के पैसे मैंने दिए हैं, किस तरह करें वो मैडम, इलेक्ट्रिक के पैसे, हर चीज़ के आप देंगे। पहले एक ग्रुप आया, उसने कब्जा किया, उससे ज़मीन छुड़ाई गई और ये किया गया। सोसाइटी का जो वसीम साहब है, उनके खिलाफ सामने वालों ने FIR कटाई हुई है, उनको ज़मीन पे आने का मना कर दिया थाने की तरफ से कि आप आएंगे उठा के ले जाएंगे। जब वो मजबूर हो गए तो उन्होंने हम अलाटी को कहा कि आप जाएं अपनी ज़मीन के ऊपर खड़े होके करें। मकसद करना चाहेंगे जितने गवर्नमेंट के अधारे हुकूमत से, अदालत से। अलॉटीज बेचारे ये सुबह से आए हुए हैं और कई दिनों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कई महीनों से, कई सालों से, क्योंकि इनकी ज़मीन है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतने दिलबर्दाश्त हैं कि इनके अल्फाज नहीं निकल पा रहे, ये इनके आंसू जो है ना सूख चुके हैं, क्योंकि जाहिर से बात है जब आप एक अपना घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं, तो एक एक पाई जमा पूंजी जो है आपके बच्चों के पेट के काट कर और आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम में डालकर आप एक घर बनाते हैं। ये बहुत सारे अलॉटीज़ हैं, हर की आवाज़ हम आज आप तक पहुंचाएंगे और आप ख़ुद फैसला करें कि ये हमारे कराची शहर में हो क्या रहा है। कानून नाम की कोई रेट नहीं है, और भी अलॉटीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर जी? अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह जो है मुझे पता चला कि हमारे प्लॉट पर कब्ज़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ मोटरसाइकिल पे आया तो मैंने देखा कि जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो इसकी दीवारों पे लिखा हुआ है उसको मिटाया जा रहा था, ठीक है, उसको मिटाया जा रहा था। और यहाँ पे कल ब्लॉक्स उतारे थे और कल SSP साहब के साथ मीटिंग हुई कुछ लोगों की, हमारे अलॉटीज़ की, तो SSP साहब ने SHO साहब को लाइन पर लिया और उन्हें कहा कि ये महमूद अल्हा 48 की ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आगे से जो हमें पता चला है, उन्होंने कहा कि सर वहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, और ये ब्लॉक उतार दिए थे, ठीक है। और आज सुबह हमें WhatsApp पे मैसेज आया कि हमारी ज़मीन पे, हमारे प्लॉट पे कब्ज़ा हो रहा है, तो मैं आया तो मैंने देखा कि एक साइड पे ये बाउंड्री वॉल हो रही थी और दूसरी साइड पे एक आदमी जो नोटिस हमारा है वो देखिएगा, उसको मिटा रहा है, स्टे ऑर्डर के नोटिस को मिटा रहा है, उसको जो मुकदमा नंबर है और स्टे ऑर्डर नंबर है उसको मिटा रहा है। ये इतना ऑर्गेनाइज हो के इस पर कब्ज़ा कर रहे हैं कि कल को अगर हम कोई क्लेम भी करें तो वो हमारा क्लेम जो है वो प्रूव ही ना हो, ठीक है, प्रूव ही ना हो। ये सारे निशान मिटा रहे हैं, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है हमारे अलॉटीज़ के ख़िलाफ़ कि पहले इसकी बाउंड्री वॉल हुई थी, जब हमने प्लॉट लिया बाउंड्री वॉल हुई हुई थी, हम अंदर आते थे, चौकीदार थे हमारे, सब कुछ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इसकी पहले बाउंड्री वॉल गिराई, फिर इसका गेट गिराया, उसके बाद इस पर पिछले साल आपने ही कवर किया था तो एक कोई लैंड ग्रैबर आए थे, जब उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट आपने किया, प्रोटेस्ट हमने किया, तो वो और उन्होंने कहा कि यार मैं बद्दुआ नहीं लेता, मैं चला जाता हूँ, उसको शायद हदायत आ गई। लेकिन अब ये फिर मुख्तियार कार साहब के अंडर में आके, जाजुल हसन साहब के अंडर में फिर जो है ना ये फिर, ठीक है, और कोई चौधरी साहब हैं, चौधरी खालिद बिलाल साहब हैं, उनका कहा जाता है कि जी वो इसके ओनर हैं और वो जो है ना ये ये कब्ज़ा करा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि हमने तो क्या नाम है पैसे जमा कर करके एक प्लॉट लिया था कि घर बनाएंगे हम, ठीक है, और अब ये इस पर कब्ज़ा हो रहा है। आप सोचें कि हम कहाँ जाएँ, थाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो हमारी सुनवाई नहीं की जाती, ठीक है, यहाँ पे हम ASI साहब आए हैं, सुबह से मौजूद हैं, इनको कह रहे हैं कि काम रुकवाएं तो बोल रहे हैं जी वो SHO साहब कह रहे हैं कि मुख्तियार कार कहेगा तो काम रुक जाएगा, ठीक है। आप बताएं हमारी बात कौन सुनेगा। जिनका काम है आवाम की खिदमत करना, वही अगेंस्ट हो गए हैं आप लोगों, क्योंकि आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने को सजाना है। अब हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है शहर में, तो क्या किससे मुतालबा करना चाहेंगे, जस्टिस साहब तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, जस्टिस साहब से भी करना है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी इक्तदार में जो लोग बैठे हैं उन सब से ये अपील है कि मामले को सही करें, कोई उम्र भर की कमाई है जिसमें हम लुटा रहे हैं। मैडम ये इसमें है ना स्टे हाई कोर्ट का हुआ है 378/2021, उस स्टे 2011 उसके होते हुए भी ये कर रहे हैं तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सीधी सीधी बात है, तो इसको कोर्ट को इसको
एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या खुलेआम कोर्ट के ऑर्डर्स की तोहीन हो रही है इस तरह। ये इतने पावरफुल हैं, अदालत से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये माएँ बहनें इस बिल्कुल कड़कती धूप में पिछली बार भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं। इनकी ज़बानी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इनकी फरियाद जो है वो पूरा पाकिस्तान सुने। चीफ जस्टिस साहब उमर आता बंदियाल साहब, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो इंसाफ के इदारों में मौजूद हैं, इंसाफ करते हैं। क्या कहेंगी मैम? सुबह से ही हम देख रहे हैं, हमें वीडियोज़ भी मौसूल हो रही हैं कि आप लोग मौजूद हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं खड़े रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। क्या कहेंगे भाई? देखिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, इतने प्री प्लान तरीके से कब्ज़ा करते हैं। 2005 की ये अलॉटी हैं, हमने प्लॉट को 2017 में कुछ ऐसे ख़रीदा था और उसके बाद से जो है बस समझ नहीं आती है किसने मुनज़्ज़म तरीके से, पुलिस हो गई, फिर उसके बाद जो है महकमे हो गए, तमाम मिल करके इतनी प्लानिंग से करते हैं। मतलब 720 अलॉटी हैं, उन्हें ये भी पता नहीं, ये भी खबर नहीं है कि भाई 720 घर इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन ये देखिए आप लोगों, इन लोगों का ये देखिए कितने ज़ालिम लोग हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि समझ नहीं आती कि उनके औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, किस किस्म के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है इस कौम, मुझे समझ नहीं आती किस टाइप के लोग हैं ये। यहाँ से ये जो महमूद उल हक सोसाइटी, क्योंकि हमारे पास इस तमाम तर जो पिछली बार प्रोटेस्ट किया गया था इन अलॉटीज की जानब से, वो तमाम तर फुटेजेस मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है हमारी। क्या आप देखेंगे, हमने अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि वहाँ पर हमने एक शो किया था कुछ महीनों पहले, और जो कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी तो वो कब्ज़ा तो नहीं हो पाया उसके बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े फैसले, नस्ला टावर का फैसला आप देख लें, दीगर फैसले देख लें आ रहे थे। बट अब हम आपको जो एक सच्चाई दिखा रहे हैं इस मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आवाम 700 से ज़ायद यहाँ के अलॉटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, जो फैमिलीज़ नहीं ख़ानदान, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। तो अब आप ये देखें कि किस मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब कानून की कोई रिट नज़र ही नहीं आती है पूरे कराची भर में। अफसोस होता है क्योंकि आवाम अपनी जमा पूंजी जो है, बार बार ये बात इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि घर आशियाना लेना बहुत ही मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। तीन वक्त की रोटी ही मिल जाए गरीब इंसान को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, तो वही बात है। मगर ये इनकी जमा पूंजी जो है वो अब ख़तरे में नज़र आती है। ये देखें आप किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर बाकायदा तौर पर बाउंड्रीज लगाई जा रही है मज़दूरों की जानिब से। कई मज़दूर हैं मेरे सीधे हाथ पर बैठे हुए, उनकी जानिब से ये काम किया जा रहा है और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस का काम होता है आवाम की मदद करना और इंसाफ के जो दायरे में लाती है चीज़ों को, पुलिस के ज़रिए ही हम कंप्लेन करते हैं, मदद हासिल करते हैं, मददगार है हमारी पुलिस। आप ये देखें कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और काम काज कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप। फिर से एक बार हम ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो आप कब्ज़ा ग्रुप जो मुतहरक हुआ है बहुत ही ज़्यादा मुतहरक दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची पर एक बार फिर कब्ज़ा ग्रुप मुतहरक हो गया है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आप एक सीधे हाथ पर देख रहे हैं कि महमूद उल हक सोसाइटी 48A है ये, और यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से जो वो लोग हैं, मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ लगा रहे हैं और अलॉटीज़ भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कराची में। अब आप लोग कोर्ट भी गए, हमने मीडिया के ज़रिए, मुकदमा न्यूज़ के ज़रिए इस मामलात को हाईलाइट भी किया। कब्ज़ा ग्रुप, अब कब्ज़ा ग्रुप चेंज हो गया आप समझते हैं? देखिए, कब्ज़ा ग्रुप के पीछे जो सरपरस्त हैं वो तो वही हैं लोग हैं, अब चेहरे बदल बदल के जो है वो हमले करते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और ये आवाम की मिल्कियत होती हैं, ये किसी एक फ़र्द की नहीं होती, जिस तरह बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव वही लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर के अपने पैसे लगाए हुए होते हैं और थोड़े थोड़े करके पैसे करके पहले अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट के पैसे भरते हैं। अब जो सोसाइटी आज गुलशन महमूद उल हक में ये लोग स्कीम 33 में कब्ज़ा कर रहे हैं, 2005 की रजिस्टर्ड सोसाइटी है, लोगों ने 2005 से पैसे दिए हुए, आज 17 साल होने को आए हुए। यहाँ पे मैं अपने प्लॉट की बात करूँ तो मुझे तो यहाँ पे सोसाइटी ने लीज़ डॉक्यूमेंट भी दिए हुए, मैं आपकी डॉक्यूमेंट्स लीज़ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को। मेरे पास जो है यहाँ पे परमिशन फॉर बाउंड्री वॉल भी है, मेरे पास पोजीशन लेटर भी है, मेरे पास साइट प्लान भी मौजूद है अपनी ज़मीन का, मेरे पास अलॉटमेंट ऑर्डर भी इशू है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करूँ, किस
किस आंखों को मैं दिखाऊं अपने डॉक्यूमेंट्स के, वो देख के इस पे यकीन करें कि ये सच्चे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें सोसाइटी ने दिए। अब ये कहते हैं कि सोसाइटी के ऊपर आज रातों रात 2022 में आके वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं उनकी ज़मीन है, तो 2020-2021 तक तो कोई नहीं था, हम यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी सोसाइटी ने हमें करके दी, सोसाइटी ने सेवरेज के सिस्टम डाला, सोसाइटी ने यहाँ पर रोड डाले, सोसाइटी ने यहाँ पर खम्भे लगाए, हमने यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ट्रांसफार्मर तक के 2-2 लाख रुपए लोगों ने यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं मेरे साथ जितने भी हैं वो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे, ये आम आवाम है कराची के जिनको आज पीस रहे हैं, ये सिस्टम के लोग हैं, ये सिंध गवर्नमेंट इसमें बराबर मुलव्वस है, इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बराबर मुलव्वस है। अगर ये 2 नंबर सोसाइटी थी तो ये कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड कैसे हुई, और रजिस्टर्ड होने के बाद आज 17 साल के बाद इनको यकीन आ रहा है, जब ये बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो सिंध गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही बाउंड्री वॉल कर रहे थे, ये मुख्तियारकार ने ही एनओसी इनको परमिशन फॉर बाउंड्री वॉल दी थी, इसी सोसाइटी की सेल डीड भी हुई हुई है, इसी सोसाइटी का खाता भी मौजूद था, अगर ये था तो किसने उस टाइम पर रजिस्टर्ड किया, अगर मेरे लीज डॉक्यूमेंट्स हैं ज़मीन के तो वो लीज़ किसने किए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मैं लीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा, रजिस्ट्री भी अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स की हुई है। अब उस टाइम पर जब हम ये बना रहे थे, यहाँ पे सारे काम हो रहे थे, उस टाइम पे क्यों नहीं बताया गया, 17 साल तक ये लोग सोते रहे और 17 साल बाद रातों रात ये गुंडे बिठा दिए, इन्होंने यहाँ पे बदमाश बिठा दिए और ये जो है कब्जा करवा रहे हैं हमारी अपनी ज़मीनों पे। अब हम बताएं कि हम कहाँ पे जाएं, किस इदारों पे जाएं, हमारे हिसाब से तो सिंध गवर्नमेंट बराह रास्त मुलव्वस्त है, उसमें चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, उसमें आपके जो है रेवेन्यू में मुख्तियारकार हो, आपका असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हो कराची का, उसके अलावा आपके पास सीनियर मेंबर रेवेन्यू हो, और वो तमाम इदारे, क्या वो सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे 710 खानदान हैं जिनके अपने प्लॉट्स हैं, और 710 खानदान ने जो है अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे कर दी, डेवलपमेंट के भी पैसे भर दिए, और ये सारे पैसे जो है सालाना तौर पर इनका ऑडिट भी तो होता है इन सोसाइटीज़ का, अगर ये ऑडिट नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं रोका। इस सोसाइटी का एक अलॉटी हूँ, सबसे बड़ी अभी कितने टोटल अलॉटीज हैं जिनके पास लीज है ये बता दीजिए। कोई 20 से 22 लोगों के पास लीज है और तकरीबन 700 अलॉटीज हैं जिनको ये ज़मीन दी गई, और तकरीबन 13 से 14 साल से ये ज़मीन हमारे पास थी। अब ये इस ज़मीन की अब बात करें, इस वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या बताऊँ। इनिशियल स्टेप देखें, कोई भी आम शहरी का जो इनिशियल स्टेप होता है ना वो होती है पुलिस, उसको कोई भी प्रोटेक्शन देती है पुलिस। अभी आप अपने कैमरे में देख लें, पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही है लैंड ग्रैबर्स को और बदमाशों को कि वो सरेआम बाउंड्री करें और हम लोग खामोशी तमाशा ही बने हुए हैं। बराबर में जो सोसाइटी है अंदलीब, इसकी वैल्यू जो है 70-80 लाख रुपए है अभी, ठीक है, 120 गज की, तो मल्टीप्लाई कर लें जितने भी 700 प्लस जो है वो है, और जो पुलिस है आपके सामने है जो प्रोटेक्शन दे रही है, पूछा जाए कि ये इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कह रहे ऊपर से हमारे पास ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स क्या है कि या इनको प्रोटेक्शन देनी है, लोगों ने अपनी जमा पूंजी से सैलरी से जो है ना पैसे जमा किए हैं अभी प्लॉट घर बनाने के लिए और यहाँ पर कब्जा हो गया। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और अपनी ग्रेजुएटी वगैरह से यहाँ प्लॉट लिया था एक बड़ा हिस्सा, समझे वो अब सारा का सारा डूब गया, 37 ईयर्स मैंने जॉब की है, उसके बाद जो है ना जाके ये पैसे आए और वो इतनी आसानी से डूब। मैं आपको ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाना चाह रही हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुश्तरी होशियार बाश, ये प्लॉट गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिल्कियत है और इस पर मुकदमा नंबर 378/2011 सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक स्टे ऑर्डर है, लिहाजा इस जगह पर किसी भी तरह की कब्जे की कोशिश गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी। इंतज़ामिया गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 48 स्कीम 33 कराची। स्टे ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट का मौजूद है, केस नंबर मौजूद है, अदालत की तौहीन की जाती है, कंटेम्प ऑफ कोर्ट किया जाता है, मगर यहाँ पर कोई सरकारी इदारे सिंध हुकूमत कोई मुतहरिक नज़र नहीं आ रही है। बार बार ये बात इस प्लेटफॉर्म से गई है, मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि कब्ज़े हो रहे हैं, मगर देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि सब सो रहे हैं और आवाम का कोई नहीं है पुरसाने हल। तो जिस तरह से आपने महमूदुल हक सोसाइटी के अलॉटीज की गुफ्तगु सुनी, उनकी ज़बानी कि उनके पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि वो किस तरह से अपने ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं,
कोई ऐसा ही नहीं है कि जो उनकी मदद कर सके। पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमने दिखाई। मुकदमा न्यूज़ कभी भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ सच की आवाज़ आप तक पहुँचाता है। आप ख़ुद फैसला करें कि महमूदुल हक सोसाइटी, जो कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, किस तरह से लैंड ग्रैबर कब्ज़ा माफिया मुतहरिक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अब भी अलॉटीज़ यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया सिंध हुकूमत से, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब से, कि उनकी दरदरसी की जाए, उनको इंसाफ फराम किया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।